इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग वेब होस्टिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू एफिलियट मार्केटिंग के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे तो आपने क्या करना है यहाँ पे आ जाना है होस्ट मोन्स्टर डॉट के ऊपर यहाँ पे ये देखिए ये इसके स्पेलिंग है होस्ट मोन्स्टर डॉट तो यहाँ पे आपने आ जाना है अब ये वेबसाइट प्रोवाइड करती है मुतलिफ सर्विसेज जैसा कि यहाँ पे ये यह देखिए फ्री डोमेन फ्री साइट बिल्डर्स और इसके अलावा जो मेनली ये प्रोवाइड करती है वो है होस्टिंग यानी कि कोई भी न्यू वेबसाइट जब क्रिएट होती है तो उसको होस्टिंग की जरूरत होती है तो ये कंपनी होस्टिंग प्रोवाइड करती है वेबसाइट्स के लिए अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग एट 4.95 डॉलर पर मंथ तो हमें यहाँ पे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है हमने जीरो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है हमने क्या करना है यहाँ पे कुछ भी बाय नहीं करना हमने इनका एफिलियट प्रोग्राम ज्वाइन करके इनको कस्टमर ला के देने हैं और उसके बाद ये हमें पर कस्टमर का सिक्सटी डॉलर तक कमीशन पे करेंगे तो ये कैसे करना है आपने तो यहाँ पे ये देखिए एफिलियट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो एफिलियट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देनी है क्रिएट अकाउंट तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मेरी लॉग की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको शो हो रही थी तो क्रिएट अकाउंट आपको शो होगा हो तो आपने क्या करना है ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जैसा कि अकाउंट यूजर नेम आपने प्रोवाइड करना है और उसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड आपने प्रोवाइड करना है कंफर्म पासवर्ड आपने और उसके अलावा आपका फर्स्ट नेम होगा लास्ट नेम होगा नंबर आपने यहां पे देना है और उसके अलावा नीचे चलते हैं तो यहां पे ये यह देखिए कंपनी तो कंपनी में आपने आपका जो नेम है वो ही प्रोवाइड कर देना है ज, जैसा कि मेरा अगर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दिस टेक लिखता हूं तो कंपनी में मैं दिस टेक लिख दूंगा नो इशू और उसके अलावा स्ट्रीट एड्रेस सिटी स्टेट पोस्टल कोड कंट्री ये सब आपने चूज करना है और यहां पे ईमेल एड्रेस है और प्राइमरी ईमेल है और उसके अलावा पेपाल ईमेल एड्रेस आपने ई हाँ पे प्रोवाइड करना है क्योंकि आपको जो पेमेंट है वो आपके पेपाल अकाउंट में मिलेगी उसके अलावा आई एग्री करना है और आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे कोई आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी कोई आपका ये अकाउंट रिव्यू के लिए नहीं जाएगा बट डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आप इसको लॉग इन कर सकते हैं तो मैं वापस चलता हूँ और लॉग इन आपको करके दिखाता हूँ डैशबोर्ड जो है वो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे ये यह रहा इसका डैशबोर्ड और ये यह देखिए यहाँ पे अभी तक मैंने इसको कुछ भी प्रमोट नहीं किया कोई सिंगल क्लिक भी नहीं मिला क्योंकि मैंने अभी तक इसका लिंक जो है वो प्रमोट नहीं किया बिल्कुल न्यू अकाउंट बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारा अकाउंट है कुछ इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे आपके स्टैट्स होंगे और उसके अलावा यहाँ पे लिंक्स होंगे यहाँ पे ये देखिए पर साइनअप का अगर आपके कोई लिंक के थ्रू यहाँ पे पर साइनअप एक जो साइनअप होगा कुछ भी वो बाय करेंगे तो 65 डॉलर आपको पे कर दिए जाएगा अब यहाँ पे आपने लिंक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना लिंक्स जो है वो ले लेने हैं यहाँ पे यह देखिए ये रहा हमारा ट्रैकिंग लिंक तो इसको हमने कॉपी कर लेना है और इसको जहाँ पे भी हम पेस्ट करेंगे जिसके सामने पेस्ट करेंगे वो इसके ऊपर क्लिक करके होस्ट मोन्स्टर के ऊपर जाएगा और वहां से वो लोग कोई भी प्लान बाय करते हैं तो हमें उसका कमीशन मिलेगा इसके अलावा ये कंपेन लिंक है और उसके अलावा ये नीचे बैनर का लिंक है तो जो भी आप लेना चाहते हैं ये देखिए ये उस तरह का बैनर है जो आप अपनी वेबसाइट पे अगर शो करवाना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं और अगर आप एक लिंक लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं और इस लिंक को कहां पे पेस्ट करना है आपने कैसे पेस्ट करना है मैं आपको अभी बताने लगा हूं तो सबसे पहले तो आपने कस्टमर लेने के लिए क्या करना है ट्विटर के ऊपर जाना है और ट्विटर के ऊपर अगर आप लिखेंगे ये देखिए वेब होस्टिंग मैंने लिखा है और वेब होस्टिंग लिखने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा ये सिर्फ मैंने अभी लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक किया है टॉप के ऊपर या दूसरी के ऊपर नहीं है ये सिर्फ जो लेटेस्ट पोस्ट है उनके ऊपर क्लिक अब यहाँ पे देखिए ये कितने लोग यहाँ पे वेब होस्टिंग की पोस्ट कर रहे हैं और इनके नीचे कमेंट्स हैं और वो लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी वेब होस्टिंग अच्छी है कैसी हमें वेब होस्टिंग यूज करनी चाहिए तो ये देखिए ये सब लोग वेब होस्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है कि आपने ये लोग चूज करने हैं इनके नीचे जो कमेंट्स होते हैं उनमें आपने कस्टमर ढूंढने के कौन लोग बाय करना चाहते हैं और वो लोग ये कुछ लोगों ने पोस्ट की हुई है कि ये वेब होस्टिंग बाय कीजिए ये वेब होस्टिंग बाय कीजिए और उनके नीचे कमेंट्स होते हैं कि क्या ये वेब होस्टिंग अच्छी है क्या हमें ये बाय कर लेनी चाहिए तो आपने क्या करना है आपने उन लोगों को रिप्लाई करना है और बोलना है कि इसकी बजाय आप लोग ये वेब होस्टिंग ट्राई कीजिए और इसका आप लोग पेज का विजिट भी कर सकते हैं और ये रहा उसका लिंक और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको बाय कर लीजिएगा इस तरह आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है और आपने उन कस्टमर को ये डिस्क्रिप्शन सेंड कर देनी है इसके अलावा आप लोग और भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि कुछ लोगों ने पोस्ट की हुई है कि आई नीड अ वेब होस्टिंग टेल मी विच वन इज बेस्ट तो इस तरह लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी वेब होस्टिंग अच्छी है हमें बताइए तो आपने क्या करना है आपने उन लोगों को भी फाइंड करना है और उन लोगों को भी आपने मैसेज करना है या फिर आपने उनको रिप्लाई करना है और बताना है कि ये वेब होस्टिंग अच्छी है और आप इसको ट्राई कर सकते हैं और ये रहा उसका लिंक विजिट कीजिए और उसके बाद इसको बाय कीजिए और सिर्फ एक कस्टमर अगर आप एक दिन में फाइंड कर लेंगे तो सिर्फ एक कस्टमर का आपको सिक्सटी फाइव डॉलर पे कर दिया जाएगा इसके अलावा नेक्स्ट आप लोग जा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर अगर आप लिखते हैं वेब होस्टिंग तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ वेब होस्टिंग और इसको आपने आपने सर्च सर्च कर कर लेना करने के 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 बाद यहाँ पे आपने फिल्टर कर लेने, इसके रिजल्ट्स और लास्ट डेज या के जो होंगी वो आपने ओपन कर लेनी है तो मैं यहाँ पे लास्ट ये देखिए लास्ट सेवन डेज की या दिस वीक की वीडियो जो है वो ओपन करता हूँ अब यहाँ पे यह देखिए इसने गो डैडी का रिव्यू किया हुआ है तो गो डैडी भी एक प्लेटफॉर्म है वेब होस्टिंग के लिए और इसने डिस्क्रिप्शन में इसकी गो डैडी का जो एफिलिएट लिंक है वो होगा अब आपने क्या करना है अब, अब टॉप टेन होस्टिंग सर्विसेज तो आपने इन वीडियोस को ओपन कर लेना है इन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट सेक्शन में देखना है कि कौन लोग इंटरेस्टेड हैं वेब होस्टिंग में कौन लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम ये बाय कर लें क्या हम वो बाय कर लें तो आपने उन लोगों को टारगेट करना है उनको कॉन्टेक्ट करना है और उनको बताना है इस वेब होस्टिंग के बारे में तो इस तरह आप लोग ये सब वीडियोज को ओपन कीजिए और इन सब वीडियोज को आप वन बाय वन चेक कीजिए और इनके कॉमेंट्स देखिए और आप उन कॉमेंट्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या वहां पे ही आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये वेब होस्टिंग जो है वो अच्छी है आप इसको ट्राई कीजिए इसके अलावा आपने क्या करना है आपने आ जाना है फेसबुक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर अगर आप यहाँ पे लिखते हैं वेब होस्टिंग और यहाँ पे आप लोग ग्रुप्स को फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आपको हजारों ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनके अंदर लाखों या हजारों में देखिए एक लाख पंद्रह हजार थर्टी नाइन थाउजेंड यहाँ पे है तो इस तरह आपने क्या करना है इन ग्रुप्स को ओपन करना है और इन ग्रुप्स के अंदर डेली बहुत ज्यादा लोग आते हैं जो लोग वेब होस्टिंग का मशवरा लेते हैं या वेब होस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी वेब होस्टिंग अच्छी है कौन सी में यूज करनी चाहिए कौन सी चीप है तो इस तरह बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं तो आपने क्या करना है आपने उन लोगों को कांटेक्ट करना है और उनको बताना है कि ये वेब होस्टिंग अच्छी है और आप इसका विजिट कीजिए और इस तरह आपने उनको इस तरफ लेके आना है कि वो ये बाय कर लें तो इस तरह आपको 65 डॉलर पर कस्टमर के मिलेंगे और इसी तरह आपने अपने जो कस्टमर हैं वो फाइंड करने हैं ट्विटर के ऊपर फेसबुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर और इसके अलावा आप ये सेम सेम तरीके से दूसरे जो सोशल मीडियाज हैं उनके ऊपर भी अपने कस्टमर जो है वो फाइंड कर सकते हैं तो यही थी आज की वीडियो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग